दिस इज योर टर साक्षी दुआ वेलकम क्लास ट्वेल्थ ग्रूमिंग एडुकेशन तो यहां पर बेटा मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए द चैप्टर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट टू ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है इसे हम दो पार्ट में अपलोड करने वाले हैं तो पार्ट वन बेटा हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट वन को भी देख लीजिएगा पार्ट टू देखने के बाद भी आप पार्ट वन को देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है और अगर सीक्वेंस में चलना चाहते हैं तो पहले पार्ट वन को देख लीजिए बाद में पार्ट टू को देख लीजिएगा तो यहां पर अब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दो पार्ट्स में जैसे कि डिवाइड किया इस चैप्टर के और उसे अपलोड किया पार्ट वन में बेटा हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए अब पार्ट टू में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो की है वट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की क्या स्ट्रेटेजी हमें ऑप्ट करनी चाहिए ठीक है ये क्वेश्चन बेटा सिक्स मार्क्स का आता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहे बिफोर स्टार्टिंग दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छे से एंड तक समझ में आए तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ठीक है तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा देखिए एक है फादर ये है मिस्टर संजीव इनके बेटे हैं राम ये है मिस्टर राम ओके okay. तो ये है सन और ये है मिस्टर राम के फादर जिनका नाम है मिस्टर संजीव ये दोनों बेटा अभी कार में ट्रेवल कर रहे हैं कार में कर रहे हैं ठीक है अब मिस्टर संजीव ने क्या किया कार रोक दी लेकिन कार को बंद नहीं किया कार स्टार्ट है रेड लाइट में लेकिन कार को बंद नहीं किया गया ठीक है कार स्टार्ट है लेकिन वो रेड लाइट पर है ठीक है तो मिस्टर संजीव ने मिस्टर राम को पूछा कि बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा बड़ा होके क्या करेगा मिस्टर राम ने बोला कि मैं पापा साइकिल की फैक्ट्री लगाऊंगा मिस्टर संजीव ने बोला राम बेटा तू मेरे को एक बात बता ये साइकिल की फैक्ट्री तू लगाने का सोच रहा है बट फ्यूचर में साइकिल चलाएगा कौन है ना फ्यूचर में तो साइकिल कौन चलाएगा कार चलाई जाएंगी स्कूटी चलाई जाएंगी बाइक्स चलाई जाएंगी बट साइकिल कौन चलाएगा फ्यूचर में तो साइकिल जो आप कह रहे हो कि आप फैक्ट्री लगाओगे साइकिल की उसमें तो आपको कोई बेनिफिट होने ही नहीं वाला है कोई भी परचेज नहीं करेगा साइकिल है ना तो मिस्टर राम ने जो जवाब दिया अपने फादर को वो सुनने लायक है बेटा बहुत ही यूजफुल और बहुत ही बढ़िया सा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया मिस्टर राम ने उन्होंने क्या बोला अपने फादर को कि पापा जिस तरीके से हम आप लोगों की जो जनरेशन है है ना वो जिस तरीके से यूज कर रही है पेट्रोल को डीजल को तो आने वाले टाइम में ये पेट्रोल और डीजल बचेंगे ही कहा कि हम लोग कार चला पाएंगे हम जैसे ही बड़े होंगे और जैसे ही हमारे बच्चे आगे की जेनरेशन आएंगी तब तो साइकिल ही बच जाएगी क्योंकि पेट्रोल ही नहीं होगा हम लोगों के पास हम लोगों के पास डीजल ही नहीं होगा क्योंकि जो आपके जैसी जेनरेशन है जो प्रेजेंट जेनरेशन है वो ठीक से इन चीजों को यूज नहीं कर रही है मिस कर रही है रिसोर्सेज का तो फिर मिस्टर संजीव सोच में पड़ गए मिस्टर राम ने यह भी हाईलाइट किया कि देखिए आप अपने आप को ही ऑब्जर्व कर लीजिए रेड लाइट आई तो आप कार को बंद कर सकते थे है ना दोबारा से रिस्टार्ट कर लेते जब ग्रीन लाइट होती लेकिन आपने क्या किया रेड लाइट एक मिनट की है तो आपने पूरा का पूरा एक मिनट कार को ऑन ही रखा आपने कार को बंद नहीं किया तो जैसे पापा आप मिसयूज़ कर रहे हैं पेट्रोल का वैसे ही आपके एज के जो और बाकी के लोग हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं तो अगर और आप और आप जैसे लोग इसी तरीके से पेट्रोल को यूज करते रहेंगे या डीजल को यूज करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा ही आने वाला है कि हमारे लिए साइकिल के चलाने के अलावा और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं तो डेफिनेटली साइकिल फैक्ट्री प्रॉस्पर करेगी है ना तो ऐसा इतना प्यारा आंसर मिस्टर संजीव के मन पे भाग गया और मिस्टर संजीव ने रेड लाइट में कार बंद कर दी तो यहां से आपने क्या सीखा बेटा आपने ये सीखा देखिए जो प्रेजेंट जेनरेशन है उन्हें विरासत में रिसोर्सेस मिले हैं के है ना डीजल कह लो पेट्रोल कह लो ये उन्हें प्लान से मिले प्रेजेंट जनरेशन को अब प्रेजेंट जनरेशन का ये काम है कि वो फ्यूचर जेनरेशन तक ये रिसोर्सेज को पास ऑन करें रिसोर्सेज को पास किया जाए फ्यूचर जनरेशन तक फ्यूचर जनरेशन के आने तक ऐसा ना हो कि रिसोर्सिस खत्म ही हो जाए क्यों खत्म हो जाए क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन ने तो मिस यूज कर दिया रिसोर्सिस का अब रिसोर्सिस को ठीक से यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए वो रिसोर्स पड़े ही नहीं होंगे और आने वाली जनरेशन के कॉस्ट पे यानी कि फ्यूचर जनरेशन के कॉस्ट पे आज ये जो प्रेजेंट जनरेशन है ये अपनी नीड्स को पूरा कर रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्या बोला जाता है कि डेवलपमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपनी नीड्स को पूरा करे हम ये नहीं कह रहे कि प्रेजेंट जनरेशन अपनी नीड्स को पूरा ना करे कार को बिल्कुल यूज ना करे ऐसा नहीं बोल रहे कार को यूज करो पेट्रोल को यूज करो लेकिन प्रेजेंट जनरेशन बहुत अच्छे से अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करें क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी स्केर्स हैं रिसोर्सेज ऑलरेडी शॉर्टेज में है तो प्रेजेंट जनरेशन अपनी नीड्स को पूरा करे लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखा जाए इस तरीके से प्रेजेंट जेनरेशन अपनी नीड्स को पूरा करे कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेस पड़े रहे और फ्यूचर जनरेशन भी अपनी पूरी नीड्स को सारी नीड्स को पूरा कर पाए ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचे ही नहीं तो वो अपनी नीड्स को कैसा पूरा करेंगे यही होता है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो ये बोलता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपनी नीड्स को पूरा करे वो अपनी नीड्स को मीट करे और वो इस तरीके से नीड्स को मीट करे कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपनी नीड्स को पूरा कर पाए उनकी नीड्स पूरा करना उनके लिए एक कॉम्प्रोमाइज के एस्पेक्ट से ना रह जाए फ्यूचर जनरेशन का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए प्रेजेंट जनरेशन अपनी नीड्स भी पूरी कर ले तो आइए रिकॉल करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स ठीक है, है? आइए बेटा अब हम देखेंगे स्ट्रेटजीज़ कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें ऑप्ट करनी चाहिए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर देखिए बेटा हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज ऑप्ट करनी है जिसमें हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें उन रिसोर्सेस को यूज करें जो ज्यादातर रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना कि फ्यूचर जनरेशन के आने तक वो रिसोर्सेज अच्छे से पड़े रहें हम इस तरीके से अपनी नीड्स को पूरा करें कि इन्वायरमेंट पे कम से कम डैमेज पहुंचे या इन्वायरमेंट पे कोई डैमेज पहुंचे ही नहीं ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इन सब चीजों का इंजॉय कर पाए जो आज हम लोग कर रहे हैं तो आइए देखते हैं स्टेप्स और स्ट्रेटेजी टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो क्या स्टेप्स होने चाहिए या कौन सी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें तो सबसे पहला है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अब ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है देखिए बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है जो अभी अभी रिसेंटली डेवलप हुई है अभी अभी रिसेंटली यूज होना शुरू हुई है और ये ऐसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत कम लोग इन्हें यूज कर रहे हैं तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो अभी अभी डेवलप हुए हैं पहले से नहीं थे हमारे पास लाइक सोलर एनर्जी है ना सोलर कुकर से सनलाइट की एनर्जी से हम लोग राइस को बॉइल कर सकते हैं है ना तो सोलर एनर्जी जो सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है विंड एनर्जी विंड मिल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी सनलाइट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी तो हमें क्या यूज करना चाहिए हमें यूज करना चाहिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि वो वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो रिसेंटली डेवलप हुए हैं ठीक है देखिए सोलर एनर्जी और जो विंड एनर्जी है ये बेटा इनवायरमेंटल फ्रेंडली है इको फ्रेंडली है इससे इन्वायरमेंट पे कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला सनलाइट यूज हो रही है और विंड यूज हो रही है तो उससे तो क्या एनवायरमेंट पे डैमेज पहुंचेगा नेक्स्ट एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरियाज एलपीजी क्या होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर्स बेटा हमारे घर पे लगे होते हैं यहाँ हमारे घर पे जो भी गैस पाइपलाइन है उसके अंदर जो गैस है वो है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अब ये जो गैस है ये क्या है क्लीन फ्यूल है है ना क्लीन फ्यूल मतलब जो एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करता पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता आप देखो जब आपकी मदर कुक करती है किचन में तो धुआं वगैरह नहीं होता है राइट right? क्यों नहीं होता क्योंकि एलपीजी यूज करके कुकिंग हो रही है और एलपीजी क्या है एक क्लीन फ्यूल है नेक्स्ट बेटा इससे क्या हुआ है इससे हाउस होल्ड पोल्यूशन कम हो गया है रिड्यूस हो गया है गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एलपीजी की पाइपलाइंस या एलपीजी सिलेंडर्स यूज करें जिसके ऊपर गवर्नमेंट क्या दे रही है सब्सिडीज दे रही है सब्सिडी क्या है एक इंसेंटिव है जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करें एलपीजी के सिलेंडर्स या एलपीजी के पाइपलाइंस वगैरह यूज करें रूरल एरियाज में गोबर गैस का कॉन्सेप्ट है गोबर गैस भी एक क्लीन गैस मानी गई है इसकी जो स्लरी भी रह जाती है ना वो स्लरी भी काफी यूजफुल रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर की तरह काम करती है चलिए नेक्स्ट सी एनजी सी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अब ये भी बेटा ये एक फ्यूल की तरह काम करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे डी टी सी बसेज होती हैं राइट जो बसेज वगैरह होती हैं ऑटो वगैरह होते हैं वो क्या है उनमें सी सिलेंडर्स लगे हुए हैं है ना तभी वो चल पाते हैं तो ये सी भी जब यूज हो रही है ना बेटा एज अ फ्यूल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इससे एयर पोल्यूशन काफी कम देखा गया है एयर पोल्यूशन काफी कम हो गया है पहले से तो सी भी इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता है नेक्स्ट विंड पार विंड पार क्या होता है पार होता है इलेक्ट्रिसिटी विंड मतलब हवा तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है थ्रू विंड मील्स इन विंडी एरियाज जो भी विंडी एरियाज होते हैं लेट सपोज ये विंडी एरिया है ठीक है यहां पर बेटा विंड मिल्स लगा दिए जाते हैं विंड मिल ये विंड मिल्स लगा दिए अब जैसे ही बेटा हवा बहुत तेजी से इनके ऊपर आएगी ना तो क्या होगा उस प्रेशर से जिससे हवा आ रही है जब विंड चलती है बहुत तेज तो ये क्या होने लग जाएंगे ये रोटेट करने लग जाएंगे चलने लग जाएंगे और ये चलेंगे उससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी और उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लिया जाएगा दिस इज कॉल्ड विंड पार विंड पार वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हम विंड मिल से जनरेट करते हैं विंडी एरियाज में ठीक है ये इको फ्रेंडली मेथड है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है क्योंकि देखो विंड यूज हो रही है और विंड मिल्स यूज हो रहे हैं कहीं से भी इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं पहुंच रहा है ऑल दो इनकी इनिशियल कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट मतलब विंड मिल्स को सेटअप करना विंड मिल्स को खरीदना ये बहुत हाई रहती है लेकिन बाद की अगर इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट देखें तो वो काफी कम है और अगर हम इसकी इंस्टॉलेशन यानी कि इनिशियल कॉस्ट भी अगर देखें बेटा तो बेनिफिट्स इसके कहीं गुना ज्यादा हैं इसकी कॉस्ट से तो हमें इसको यूज करना चाहिए नेक्स्ट सोलर पार पार मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सोलर मीन सनलाइट से है यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं बेटा सनलाइट से थ्रू फोटो सेल्स फोटोवोल्टाइक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं यह भी बेटा इको फ्रेंडली मेथड है क्योंकि इसमें सनलाइट यूज हो रही है और फोटोवोल्टाइक सेल्स यूज हो रहे हैं फोटोवोल मिनी हाइडल प्लांट्स को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पार हाइड्रो पार क्या होता है बेटा हाइड्रो पार होता है वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है ना तो आपने क्या देखा विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है सनलाइट से भी हो सकती है और वाटर से भी हो सकती है तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने को हम क्या बोलते हैं हाइड्रो पार या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइडल पार हाइडल इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो इसमें क्या किया जाता है इसमें बेटा कुछ जो डैम्स होते हैं ना पानी बहुत तेजी से ऊपर से नीचे गिरता है ठीक है पानी जब ऊपर से नीचे गिर रहा है माउंटेन से होता है ना तो पानी माउंटेन से ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जहां गिर रहा है ना वहां पे टर्बाइन लगा दिए जाते हैं टर्बाइन लगा दिए गए पे ठीक है अब क्या होगा जितनी ऊपर से पानी नीचे गिरेगा उतना ज्यादा प्रेशर से गिरेगा तो पानी इनके ऊपर बहुत प्रेशर से पड़ता है टर्बाइन के ऊपर तो जैसे ही पानी इनके ऊपर पड़ता है ना बेटा तो टर्बाइन रोटेट होना शुरू हो जाते हैं टर्बाइन जैसे ही रोटेट होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है जनरेट हो जाती है सो मिनी हाइडल प्लांट्स को सेटअप किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थ्रू वाटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू थ्रू वाटर टर्बाइंस इको फ्रेंडली मेथड है क्योंकि इसमें भी वाटर का यूज हो रहा है तो इको फ्रेंडली मेथड है कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं हो रही है जो इन्वायरमेंट को डैमेज करेगी नेक्स्ट बेटा ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस देखिए अभी मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारी जो हैबिट्स हैं वो काफी खराब हो गई हैं हमें अगर थोड़ी से एक मीटर की दूरी पर भी जाना होता है तो हम क्या करते हैं हम अपनी स्कूटी उठाते हैं या कार उठाते हैं है ना तो हम इन्वायरमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं ना केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं कि जल्दी से हमें हर चीज का इफेक्ट दिख जाए क्योंकि हम लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया है राइट right. लेकिन अगर हम जनरेशन बैक जाए जब हमारे दादा दादी हुआ करते थे या परदादा परदादी हुआ करते थे तो उस टाइम पे बेटा कोई भी केमिकल वाली चीज नहीं यूज होती थी केमिकल वाली चीज ना तो प्रोड्यूस होती थी ना ही यूज होती थी और वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस भी बाय फुट ट्रेवल कर लेते थे है ना तो वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज से बेटा इन्वायरमेंट के क्योंकि वो लोग क्लोज से इन्वायरमेंट के तो एनवायरमेंट भी आराम से अपने फंक्शन परफॉर्म कर पाता था लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं उसकी वजह से एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है है ना तो दोबारा से जरूरत है कि हम हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस को अप्लाई करें जो पहले यूज हुआ करता था जो पहले मेंटालिटी रहती थी उन लोगों के जो इको फ्रेंडली रहते थे इन एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा अटैच रहते थे वैसे ही हमें भी होना है अगर हम अपने एनवायरमेंट को अभी भी बैलेंस करना चाहते हैं तो सस्टेनेबल तो डेवलपमेंट के लिए हमें दोबारा से हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस को यूज करना होगा सो मैसिव डैमेज टू एनवायरमेंट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन इको फ्रेंडली सिस्टम खत्म हो चुका है जो कि हमें दोबारा से लाना है बैक टू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस नेक्स्ट बेटा बायो कंपोस्टिंग अब ये कंपोस्ट क्या होता है कंपोस्ट होता है खाद एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमें खाद चाहिए राइट right? तो एक तो होती है बेटा केमिकल वाली खाद हमें वो यूज नहीं करनी है हमें वो वाला कंपोस्ट यूज नहीं करना जो जो केमिकल वाला होता है हमें वो वाला कंपोस्ट यूज करना है जो नेचुरल चीजों से बना हुआ है लाइक कैटल डंग ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू इनसे जो बना हुआ है कंपोस्ट वो एक नेचुरल कंपोस्ट है हमें वो यूज करना है और बायो कंपोस्ट जो होता है जो कंपोस्ट होता है बेटा वो यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर फर्टिलाइजर की तरह और सॉइल को दोबारा से कंडीशनिंग मतलब क्वालिटी देने के लिए जो उसके न्यूट्रिय है उसको रिस्टोर करने के लिए यूज होता है अर्थ वार्म क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है अर्थ वार्म की हेल्प से हमें बायो कंपोस्ट मिल जाता है ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट बायो पेस्ट कंट्रोल अब पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं हमारे एग्रीकल्चर फार्म में राइट right? पेस्टिसाइड्स क्या होता है जब फार्म में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं या ना हो हम क्या करवा लेते हैं पेस्ट कंट्रोल करवा लेते हैं राइट right? तो बोला जा रहा है कि जो पेस्ट कंट्रोल भी यूज हो रहा है सिस्टम वो बायो पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए मतलब नेचुरल मेथड होना चाहिए वो भी नेचुरल मेथड कैसे नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स यूज हो वो वाले पेस्टिसाइड यूज होने चाहिए जो नीम पे बेस्ड है या बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को ही हम यूज कर सकते हैं इन कंट्रोलिंग द पेस्ट लाइक स्नेक्स हैं ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेता है पीकॉक है लिजार्ड्स है ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं तो हमें फार्म्स में स्नेक्स को पीकॉक को लिजार्ड्स को छोड़ देना चाहिए इससे क्या होगा अपने आप जो पेस्ट हो रखे हैं हमारे फार्म में वो क्लियर ऑफ हो जाते हैं तो मतलब क्या देखा आपने आपने ये देखा कि केमिकल को कहीं ना कहीं हमें हटाना है हमें ऑर्गेनिक चीजें नेचुरल चीजों पे फोकस करना है हमें उन वाले प्रैक्टिसेस पे फोकस करना है जो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करती है उसी से ही हम क्या कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी अगर आपको भी ये सेम लगता है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमारी जो टीम है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी तो यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में टिल देन बाय टेक केयर जय शीशा